अस्सलाम। अच्छा, आज हम बात करेंगे एक बजट के बारे में, पाकिस्तान के बजट के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग भी है, और अगर आप देखेंगे तो उस कहानी में हमारे लिए एक लेसन भी है। काफ़ी टाइम पहले एक बादशाह रहता था यहाँ पे। उसे जो है घोड़े पालने का बड़ा शौक था। वो बड़े कीमती और नायाब जो है वो घोड़े अपने पास रखता था। दुनिया में जहाँ कहीं भी कभी भी कोई बाजार वगैरह लगता था घोड़ों के हवाले से, तो वो सबसे पहले पहुँचता था और सबसे आला ऊंचे का जो नस्ल घोड़ा होता था उसे वो खरीदता था। तो एक दिन ये हुआ कि वो किसी बाजार में गया घोड़ा वगैरह लेने के लिए। तो वहाँ पे एक सौदागर था, एक व्यापारी था घोड़ों का, जो कि वो भी खुद बहुत इंटरेस्टेड था घोड़ों में, मतलब जो सौदागर था बादशाह की तरह। तो बादशाह को चलते फिरते देखा देखा सारी बाजार में, पर उसे एक बहुत ही आला नस्ल का घोड़ा नज़र आया। मतलब ये कहने का कि वो उस जैसा घोड़ा अगर वो चाहता भी तो वो पूरी दुनिया में कहीं से भी नहीं ले सकता था। तो वो उस सौदागर के पास गया, उस व्यापारी के पास गया वो बादशाह, और पूछा और कहा कि ये घोड़ा कितने का दोगे, इस घोड़े की क्या कीमत है अगर मैं लेना चाहूँ तो। सौदागर को पता चला कि ये जो घोड़ा लेने आया है ये जो है ये एक बादशाह है, एक किसी मुल्क का बादशाह है। तो उस बादशाह ने उस सौदागर ने उस बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आप इस घोड़े की कीमत नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये आपके जो रेंज से ये बहुत दूर है। आप इसकी घोड़े की जो कीमत है वो आप नहीं दे सकते। अगर आप पूरी मिल्कियत भी बेच देंगे उसके बाद भी आप इस का जो आप है कीमत अदा नहीं कर पाएंगे। तो उस सौदागर ने बादशाह से कहा, आप ऐसा करें, आप ये मेरी तरफ से गिफ्ट की तौर पे ले जाएं, तोहफा, तोहफे, तोहफा समझ के ले जाएं। बादशाह हैरान हो गया, इतना महंगा घोड़ा और इतना खूबसूरत घोड़ा, एक इतना नस्ली घोड़ा ये मुझे तोहफे में दे रहा है, तो चलो भाई ठीक है। पर बादशाह ने उससे ये कहा कि याद रखना ये सौदागर, ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें कोई काम पड़े अगर मेरे लिए तो मेरे पास बेहिचक आ जाना। तो सौदागर ने कहा ठीक है। एक दिन ये हुआ, काफ़ी टाइम के बाद, 2 साल के बाद है, वो सौदागर जो है बहुत ही कर्जी हो गया, डिफॉल्ट में चला गया। तो सारे जो कर्जदार थे उस सौदागर को तंग कर रहे थे कि भाई पैसे दो, अभी हमारे पैसे दो, ये करो वो करो। तो उसे याद आया कि फलां जो बादशाह था उसे मैंने किसी टाइम में एक घोड़ा दिया था, मैं उसके पास चला जाता हूँ और उससे मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने आपको एक गिफ्ट दिया था, एक घोड़े की तरह, और सॉरी घोड़ा एक गिफ्ट दिया था, तो आप अभी जो है मेरी कुछ फेवर कर लें, अगर मेरे ऊपर कर्जा है। तो उसने सोचा अगर वो मेरी अगर कोई फेवर भी नहीं करेगा, अगर उस घोड़े की कीमत भी मुझे दे देगा, तो ये जो कर्जा है मेरे ऊपर वो मुझसे जल्दी उतर जाएगा, मैं आज़ाद हो जाऊंगा। तो बादशाह के पास तो टाइम नहीं होता, वो सौदागर जो है बादशाह के पास गया। बादशाह के पास गया और उसके बहुत ही पुराने अजीब कपड़े थे, उसका मतलब लिबास जो था वो सही नहीं था। तो बादशाह के जो नौकर वगैरह थे, जो दरबारी थे, उन्होंने उस सौदागर को बादशाह के दरबार में जाने से इनकार कर दिया कि भाई आप नहीं जा सकते, आपकी लेवल ही नहीं है जो आप अंदर जाएं बादशाह के दरबार में। आप ऐसा, तो उसने कहा कि आप ऐसा करें, आप उन्हें जाके बोलें मैं उनका दोस्त हूँ, और उन्हें बताएं कि मैंने उनको एक गिफ्ट, घोड़ा गिफ्ट किया था, और जो है वो फिर आप सबको कहेंगे कि आप बुलाएं उसे। तो दरबारियों ने वो ही किया और जाके बादशाह को बताया, फलां जो बंदा है वो कह रहा है आपने उनसे घोड़ा लिया था जो कि वो उन्होंने आपको गिफ्ट किया था, एक तोहफा दिया था। तो बादशाह ने कहा अच्छा अच्छा चले ठीक है, बुलाए उन्हें। वो अंदर गया, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे थे। तो बादशाह ने देखा कि उस जो बंदो जो सौदागर था उसके जो कपड़े थे बड़े फटे हुए मिले थे, और उसका जो मतलब हेयर स्टाइल था वो भी कुछ अच्छा नहीं था, मतलब उस वो दिखने में बहुत ही गरीब था। तो बादशाह को लगा ये क्या हो गया इसके साथ, ये पहले जब हम मिले थे ये तो बहुत ही एक शानदार बंदा था और बड़ी एक पर्सनैलिटी वाला बंदा था, अभी क्या हो गया ऐसे। तो बादशाह ने तो उस टाइम उसे तो टाइम नहीं दिया, फिलहाल उन नौकर को उन्होंने कहा बादशाह ने कि आप इन्हें अच्छे कपड़े दिलवाएं, इन्हें अच्छा खाना दें,
और अच्छी जितना अच्छा हो सके इसकी अच्छी उतनी खिदमत करें। चले भाई, वो उसे लगा कि बादशाह ने मुझे पहचान लिया है, सौदागर को लगा बादशाह ने मुझे पहचान लिया है और अभी जो है बादशाह मेरी फुल फेवर करेगा, जो भी मैं मांगूंगा इनको इनको मुझे दे देंगे। चलो भाई ठीक है, तो नौकर वगैरह उसने ले गए अपने साथ, अच्छा खाना दिया, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा पहनना, सारा कुछ उन्हें जो है बड़ी अच्छा अच्छी पर्सनैलिटी उन्हें जो है बना दी जैसा कि वो पहले था। तो एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, बादशाह उन्हें टाइम नहीं दे रहा था, सौदागर को टाइम नहीं दे रहा था कि भाई अब अभी मुझसे मिलो। एक दिन शाम के टाइम था तो बादशाह ने कहा, भाई मेरा जो फलां दोस्त आया है आप उसे बुलाएं। वो गया बादशाह के पास और बादशाह से अपना सारा जो मामला था वो डिस्कस किया कि मेरे ऊपर अभी बहुत कर्जा है, अगर हो सके तो प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प करें, मेरी कुछ सपोर्ट करें, अगर हो सके तो सपोर्ट ना करें जो मैंने आपको घोड़ा दिया था तोहफे के तौर पे, अगर आप उसकी कीमत भी दे देंगे तो मुझसे जो जो कर्जा है वो ख़त्म हो जाएगा, मेरे ऊपर जो कर्जा है। तो बादशाह ने कहा कि आप ऐसा करो, जितना दिन आप रहना चाहो आप यहाँ पे रहो मेरे साथ, मेरे पास रहो, खाओ पियो घूमो फिरो, आपको कर्ज ही यहाँ पे कोई भी कर्जदार आपको तंग नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, अब ऐसा बंदा हो जो कि एक बादशाह के पास गया हो तो उसको कौन तंग करेगा वहाँ पे, भाई ये बादशाह का बंदा है ये हो, तो उसे अच्छा लगा, चलो ठीक है। बट बादशाह ने उसके सामने कंडीशन रखी, उस बादशाह ने उस बंदे के सामने कंडीशन रखी, मैं आपको रहने भी दूंगा यहाँ पे, मैं आपको खाना भी दूंगा, सारा कुछ दूंगा, पर आप जो है डेली बेस पे मजदूरी करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, उसके बदले में मैं आपको ये सारी चीज़ें दूंगा। तो वो तो हैरान हो गया, यार ये क्या हो गया, ये तो उल्टा हो गया मेरे साथ, मैंने क्या सोचा था, इससे बेहतर था कि मैं जहाँ से आया हूँ तो आया हूँ वहाँ पे अगर मैं मजदूरी वगैरह करता तो वो मेरे लिए बेहतर था, यहाँ तो मैं फंस गया आके। तो बादशाह ने ये जो जब उसके सामने ऑफर रखी तो उसे बुरा भी लगा और उसने फिर सोचा भी, यार इसके अलावा तो मेरे पास और कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, वहाँ जाऊँगा तो मेरे कर्जदार जो मेरे कर्जदार हैं वो मुझे मार डालेंगे, तो ऐसे होगा वैसा होगा, तो वापस जाने से बेहतर लगा कि वो बादशाह के यहीं रह गया, ठहर गया और वहाँ पे वो मजदूरी करने लगा। तकरीबन 2-3 साल तक जो है वो वहाँ पे उसने मजदूरी की। मजदूरी के बाद ये हुआ, बादशाह ने उस बंदे को बुला लिया कि अभी आप आओ, अभी आप देखें। तो बादशाह ने ये किया कि उसके साथ उसे कहा कि आप अभी ऐसा करें, आप अभी अपने जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाएं। तो सौदागर को लगा जो घोड़ा जिसने दिया था कि भाई मैं वापस क्यों जाऊँ, मैंने आपके यहाँ ये काम किया है, ये आपके यहाँ मैं रहता हूँ, तो उसने कहा कि मेरे पास आपके जो पैसे थे वो बच गए हैं, जो मजदूरी आपने की थी वो मैंने आपके पैसे जमा करके रखे अमानत के तौर पे, अभी आप ऐसा करें आप जो है ये पैसे लें और आपका जो जो काम है वो भी पैसे मजदूरी के भी दिए और इसके अलावा और भी ज़्यादा पैसे दिए कि ये आपका जो कर्जा है वो आप जाके उतारें, इसके अलावा मैं आपको एक और पैसे दे रहा हूँ जिससे आप अपना कारोबार शुरू करें, आप जो है अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करें। तो वो जो था सौदागर वो हैरान हो गया कि ये कैसे, मतलब आप ये तो पहले भी दे सकते थे। तो बादशाह ने उससे कहा कि मैं आपको एक आम जिंदगी की जो है बताने जा रहा था कि आम जिंदगी में बंदे कैसे कैसे जो तकलीफ होती है वो बर्दाश्त करता है, ये 2-3 साल में आपको देख रहा था कि आप भागोगे या रुकोगे, भागोगे या रुकोगे, लेकिन आप रुक गए और आपकी ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है, ये आपने जो मजदूरी की थी मैंने जो है वो पैसे आपके लिए अमानत रख तो रखे थे ये है वो, और ये पैसे मैं आपको और दे रहा हूँ जहाँ से जिससे आप अपना जो कारोबार स्टार्ट करें, मैं आपका दोस्त हूँ और दोस्त को ये और जो फ़र्ज़ होता है वो ये होता है कि अपने दोस्त की हेल्प करे, ना कि उसे वो किसी खड्डे में गिराए। अगर मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको पैसे उस टाइम दे देता तो एक तो आप चले जाते, फिर आपके पास ऊपर कर्जा हो जाता, फिर आप आ जाते कि भाई मेरे ऊपर कर्जा हो गया है फिर प्लीज़ मुझे पैसे दे दें, मेरे ऊपर कर्जा हो गया है मेरे मुझे पैसे दे दें। तो बादशाह ने उसे कहा कि ऐसी बात नहीं है, अभी जो है आप अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, ये पैसे लें, ये आप कर्जा उतारें और ये आप जो है दूसरे पैसे इसे आप अपना कारोबार जो पहले करते थे वो आप शुरू करें। तो इसका जो ये अंदाज़ था वो सौदागर को बहुत पसंद आया बादशाह का, कि यार मेरा सबसे अच्छा दोस्त अच्छे दोस्त हैं वो आप निकले हैं,
हालांकि मैं दिली दिली में आपको गालियाँ देता था, आपको बुरा भला कहता था, लेकिन मेरे सबसे अच्छे और करीबी दोस्त जो हैं आप निकले। तो बादशाह ने तो उसकी बड़ी फेवर की उस तक के वो जो बंदा है अपने पैरों पे खड़ा रहे और अपने जो है काम से जो है आगे बढ़े, ना कि किसी और के कंधों पे वो चल के आगे बढ़े। तो ये जो कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है, काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए सुनाई है क्योंकि कल परसों एक बजट आया था जिसमें जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आपको पता है 2010 से या कुछ 8 से वो चल रहा है, 12-14 साल से। तो वहाँ पे जो बेवा औरतें होती हैं या उनको सपोर्ट करते हैं इस फिनंशियली, हर साल वहाँ पे बजट आती है, 4-4 सौ अरब, 5-5 सौ अरब जो बजट आती है उसमें। तो ये मैंने आपको बताने का मतलब ये था कि अभी जो शाजियाता मरी वहाँ की जो मिनिस्टर है, मतलब जो उनको सम्मिलित कर रही हैं, सिंध की हैं बेसिकली, तो वो जो है उन्होंने एक ऐलान किया है 2 दिन पहले कि अभी जो भी औरत किसी बच्चे को, बेबी बॉय को जन्म देगी उसे 2000 मिलेंगे, अगर कोई औरत किसी बेबी गर्ल को जन्म देगी तो उसे 250 रुपये मिलेंगे। भाई ये कैसा ऐलान हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? इतनी पॉपुलेशन ऑलरेडी बढ़ी हुई है, आपको समझना चाहिए कि हम ये कहाँ भी लेके जा रहे हैं अपनी कौम को, और कैसी कैसी कैसे हम इनको भीख मंगवाना सिखा रहे हैं, कैसे हम इनको कह रहे हैं कि आओ हम भीख मांगो। आप यकीन मानेंगे इस साल इन लोगों ने 450 अरब रुपए, 450 अरब रुपए इन लोगों ने रखे हैं बजट के लिए। किसकी बजट के लिए? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए की बजट रखी है एक साल के लिए। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने इतना बजट रखा है 450 अरब रुपए और भीख मांगने के लिए वो भी, और यहाँ पे भी जो औरतें जो ये पैसे लेती हैं ना वो बहुत खुश होती हैं कि हमें 2500 मिल रहे हैं, हमें 12000 मिल रहे हैं, हमें 5000 मिल रहे हैं। वो भी बड़ा माना पूरा पूरा दिन जो है लाइन में खड़ी रहती हैं, ना देखती हैं गर्मी को, ना देखती हैं सर्दी को, मतलब गवर्नमेंट ने उनको दे दिया है ये कि भाई हम भी भीख मांगते हैं, आप भी भीख मांगो, हम अपने ऊपर वालों से भीख मांगते हैं, हम और हम जो है आपके ऊपर वाले हैं तो आप हमसे भीख मांगो। ये भीख मांगना तो मंगवाना सिखा रहे हैं लोगों को। आप यकीन करेंगे इस 450 अरब रुपए में से अगर ये एक एक फैक्ट्री भी लगाएंगे ना, 1 अरब की फैक्ट्री भी लगाएंगे तो पूरे पाकिस्तान में 450 फैक्ट्रियां लग सकती हैं, 450 फैक्ट्रियां। अगर ये 1 अरब रुपए की भी ये लोग फैक्ट्री लगा पाकिस्तान में तो पूरे पाकिस्तान में 450 फैक्ट्रियां लग सकती हैं, जहाँ पे उन्हीं के जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, मतलब जो जो शोहर जिनके शोहर हैं, भाई हैं, बहन हैं, भाई हैं, चाचा वगैरह हैं, वो लोग खुद भी अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं और अपने दूसरे मतलब अहल आयाल का, घर वालों का भी ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो मेरा मतलब था आपको स्टोरी सुनाने का वो ये था कि अगर हमें आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है तो हमें खुद का फील होना पड़ेगा, मतलब पहले हमें खुद करना पड़ेगा, खुद के लिए सोचना पड़ेगा कि हमें भीख नहीं मांगनी है। हमें अल्लाह ताला ने हमें इतना सारा टैलेंट दिया है, इतने सारे मादनियाँ दिए हैं, इतने सारे वसाइल दिए हैं, उसके बावजूद हम भीख मांग रहे हैं और भीख मंगवाना सिखा रहे हैं। जो जो बच्चे आएंगे उनको भी हम बैंक कहें कि भाई ये लो आपके 2000 आ रहे हैं पर मंथ, ये ले, जो जो बेबी गर्ल आएगी उसे कहेंगे ये ले भाई आपके 2500 रुपये आ रहे हैं पर मंथ। कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग हमें, ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये मतलब जो फैकल्टी दी जाती है, जो फैसिलिटी दी जाती है वो यूरोप वगैरह में दी जाती है, स्वीडन में दी जाती है कि बेटा कि देखो आप जो है पॉपुलेशन बढ़ाएं, आप बच्चों को जन्म दें ताकि हम आपको पैसे दें। वो लोग जो है अपने कंट्रीज में, कनाडा वगैरह, स्वीडन हो गया, डेनमार्क वगैरह हो गया, वो लोग तो मिन्नतें करते हैं बाकी मुल्कों के ऊपर, भाई आप हमारे यहाँ बहुत एरिया खाली पड़ा हुआ है, आप हमारे यहाँ क्या रहो, हम आपको पूरी सहूलतें देंगे। ये वहाँ यूरोप में होता है कि पैसे दे के जो है वहाँ पे जो है वहाँ लोगों को कहते हैं कि भाई हम आपको पैसे देंगे अगर आपने किसी बेबी को जन्म दिया तो। यहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन है उसके बावजूद भी ये लोग नहीं देख रहे हैं हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं लोगों को और कैसी कैसी हम इनको जो है सहूलत दे रहे हैं। तो भाई खुदारा अल्लाह ताला से डरें,
आवाम को आप ऐसी जो हैं बातों की तरफ ना ले जाएं। आप अगर लीडर हैं तो लीडर की तरह काम करें। आपको लीडर भी कौन कहता है? मुझे नहीं लगता आपको कोई लीडर भी कहता होगा शाहजादा अमरी को। ये भी इन लोगों ने बीए वगैरह करके ये जो ये बैठ गए हैं और इनको पता भी नहीं होता कि लीडरशिप क्या होती है। मैं कोई तनकीद भी नहीं कर रहा, ना मैं कोई इमरान खान की तरफ से बोल रहा हूँ, ना ही मैं कोई जो है अपने क्या नाम है कोई किसी ने बोला है। मैं एक इंटेलेक्चुअल बंदा हूँ, मैं एक मेरा छोटा सा गांव है, मैं वहाँ पे रहता हूँ। जब मेरी सामने ये चीज़ें निकली गुजरी तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। तो अब देखें उस बादशाह ने जो अपने दोस्त के लिए किया था वो क्या था कि क्या किया कि उसे कर्जी होने से भी बचा लिया और उसे जो है अपने पैरों पे खड़ा होना भी सिखा दिया। हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसे एक्शन लेने चाहिए। अगर आपको कर्ज से बचना है तो आप भी ऐसे कोई अरेंजमेंट करें ताकि आप अपने पैरों पे भी खड़े रहें और जो है कर्ज से भी बचें। आप 450 अरब जो है यकीन माने इतनी बड़ी रकम वो भी बिना किसी, और देखेंगे कि उनको कोई ज़ाती फ़ायदा भी नहीं पहुँचा इन पैसों, जो जो खानदान ये पैसे ले रहे हैं ना उनको ये ज़ाती फ़ायदा भी नहीं पहुँचा, कुछ फ़ायदा भी नहीं पहुँचा। उन लोगों ने कोई बड़ी कोई जो है मिल्कियत नहीं बना ली 2000 3000 या 12 हज़ार से। लड़ते हैं झगड़ते हैं भागते हैं, ये देख करते हैं वो करते हैं ये करते हैं। आप देखेंगे इसको 10 12 साल हो गए इस प्रोग्राम को, लेकिन उन खानदानों में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है सिवाय क्या भीख मांगने के। पूरा दिन उनके घर पे यही बात चलती है कि भाई पैसे कब आएंगे पैसे कब आएंगे पैसे कब आएंगे, हमें भीख मांगनी है। ये भाई कहाँ लेके जा रहे हो आप लोग कौम को, क्यों तबाह करने पे तुले हुए आप लोग? तो आपको ऐसे एकदम लेने चाहिए जो कि आवाम की फेवर में हो, जो कि आवाम को सपोर्ट करे ना कि उनको नज़रअंदाज करें। तो उम्मीद है आप क्या जो मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है वो आपको काफ़ी समझ आया होगा, और आपको मैं ये कहूँगा कि आप बचें ऐसी चीज़ों से क्योंकि ये चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है। हमें ये नहीं सिखा रहे हैं कि हम लोग अपने पैरों पे खड़े कैसा रहे कैसे रहें, हम अपने पैरों पे कैसे आएँ। ये हमें सिखा रहे हैं भीख मांगवाना, भाई भीख मांगो, कटोरा लो भीख मांगो, कटोरा लो भीख मांगो, ऐसा नहीं है। दुनिया बदल चुकी है, आप दुनिया के साथ चलें, कंपटीशन में आएं, एजुकेशन में आएं, इंडस्ट्री में आएं, इकोनॉमी में आएं, भीख मांगने में ना आगे बढ़ें। बस क्या करें, पाकिस्तान का मुकद्दर है। ऐसे ऐसे चीज़ें ऐसे ऐसे जो हुक्मरान हमारे गांव हैं जो कि कुछ करते ही नहीं हैं, कुछ को अपनी कौम के लिए सोचते ही नहीं हैं। पूरा दिन बस बैठ के देखना है कि भीख कैसे मांगनी है और जो है आवाम को भिखारी कैसे बनाना है, आवाम से जो शऊर है वो कैसे छीनना है, उनको कैसे घरों से ना निकलने पे रोकना है कि भाई नहीं निकलो आपस में लड़ो ये करो वो करो, नहीं कर घरों से ना निकलो। खुद डरा अल्लाह ताला से डरें, आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ी ताकत वाली हस्ती बैठी है, आप उससे डरें, मेहरबानी करें, आवाम के ऊपर तरस करें। क्या करें अपने मतलब पाकिस्तान का मुकद्दर, पाकिस्तान का नसीब, इतने सारा पाकिस्तान गोल्डन है, आप उसको भीख मंगवा रहे हैं, क्या करें? चले अल्लाह हाफिज़।